21 लाख के भविष्य परिवार से उखाड़ के फेंक दिया गया है। लेकिन अगर ये लीक होने की बात उसके बाद आती, अगर आप लोग एग्जाम दे देते तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं होती? बहुत परेशानी होती है। ये सरकार से मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब हमारा सेंटर जब हम हमारे माँ एक बगल से उधार मांगकर पैसा ले दी कि बेटा जाओ परीक्षा दो, हम वहाँ जब शनिवार को वहाँ से जब हम चलते हैं संडे को यहाँ पहुँचते हैं यहाँ पेपर देने, तो पता चलता है कि हमारा पेपर रद्द हो गया। बताइए आज हमारी माँ यही बोले कि बेटा जाओ परीक्षा पास हो रहा, आज हम अपनी किस मोह से अपने माँ को बोला कि बोले कि जाके बोले किस मोह से, वो भी उधार पैसे मांग के लेके आया हूँ। हमारे पास खाने तक पैसे नहीं होता, हम अपने बगल वाली से आंटी हमारी लगती है उनसे पैसे हमारी माँ मांग लिया कि हमारे बेटे के कल लखनऊ में परीक्षा है, तो हमने परीक्षा देने यहाँ आए, पता चला कि यहाँ परीक्षा सरकार रद्द कर दी। आखिर हमारा क्या कसूर है? इससे पहले हर वैकेंसी में पेपर आउट होता था। आपका नाम बताइए, आपकी उम्र? मेरा नाम नवलेश कुमार यादव है। नवलेश जी, आप क्या करते हैं? अगर ये परीक्षा आपके लिए कितनी अहम थी, क्योंकि आप काफी भावुक हो रहे हैं इसको लेके, और मतलब जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चीज़ है इस परीक्षा को क्लियर करना, फिर आगे जाके इसमें सुपर टीईटी की परीक्षा होती है, फिर उसके बाद मेरिट के आधार पर भर्तियां की जाती हैं, सरकार वैकेंसी जब निकालती है इसके अंदर, तो आप उधार लेके आए हैं, मतलब आपके घर की माली हालत कैसी है, और मतलब क्या कैसे रोजगार चलता है घर का? मेरे पिताश्री एक किसान, मामूली से किसान है। मैं दो रोटी सुबह शाम नमक रोटी जो हम लोग पाते हैं खा लेते हैं। हमारा जब ये टीटी आया तो हमारे पिता बोले कि बेटा इस वैकेंसी जो हमारे जो टीटी इसमें पास होकर, और हम माँ से बोले कि माँ यही हमारा टेट पास होंगे, इसके बाद अगले हमारा वैकेंसी आएगा, वैकेंसी में हम अपना पूरा ताकत दिन रात एक करके हम पढ़ के हम अपनी जो दो नमक रोटी कर अपना कष्ट दूर करें। मगर ये सरकार जो हमारे भविष्य से हमारे क्या भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं, आज चुनाव के माहौल है, बोल रहे हैं कि आज इससे पहले इतनी वैकेंसियाँ हमेशा पेपर आउट हुआ उसमें क्यों नहीं, आज वो लोग मंच से मीडिया से बोलते हैं खड़े मंच से कि हमने बचा ली, हम उनसे पूछने चाहते हैं आप क्या बचा ली। आज 21 लाख ये सिर्फ चुनावी मुद्दा उठाकर ये 21 लाख जो 1200 रुपये इसका फीस है, 21 लाख अभ्यर्थियों का आप खुद ही पढ़े लिखे हैं, 21 लाख कितने करोड़ रुपया है, ये सिर्फ चुनाव बैलेंस करने के लिए रखे और एक महीने में बोल रहे हैं कि हम परीक्षा, एक महीना मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सर एक महीने में आचार संहिता लग जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। हम लोग हमारी माँ बहुत आशा लगाए हैं, बहुत आशा से बहुत गरीब परिवार के हैं हम लोग, ये मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मुक्ता कुशवाहा प्रयागराज से हूँ और पिछली भर्तियों की वजह से भी पीड़ित हूँ, और जब ये नई टेट की परीक्षा जब का फॉर्म भरा हमने तो एक बहुत उम्मीदें आ गई थी कि अब शायद नई भर्ती आएगी, इस परीक्षा को हम अच्छे से पास करेंगे, नई भर्ती आएगी तो शायद हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। एक महिला के लिए किसी तरह की तैयारी करना आसान नहीं होता है।